यदि भूख लगी हो तो फल में सबसे सस्ता और सबसे अधिक ताकत देने वाला फल होता है केले का। केला में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, पूजा पाठ से लेकर के और भूख मिटाने के लिए केले को लोग प्रयोग करते हैं, केले का रस भी पीते हैं लोग, केला ऐसे भी खाते हैं, दर्जन के भाव मिलता है, कहीं कहीं केले के भाव मिलता है। हम हैं संजय जी के साथ बिहार के किशनगंज गलगलिया में। यह लोग अब यहीं के निवासी हो गए हैं, आज हमारा आना हुआ था तो यह केले की खेती में देख रहा हूँ। बहुत लंबा तना इसका है और इसके पत्ते भी बहुत लंबे लंबे होते हैं, हमें लग रहा है कि 3 फीट 4 फीट उससे अधिक होंगे, 4 फीट नहीं 10 फीट 10 फीट के, और छोटे दो मतलब छोटे छोटे पौधे भी केले के होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। संजय जी, यह कितने लंबे पौधे होंगे केले के? 10 फीट किस प्रजाति का केला है यह? ये चीनी चंपा बोल के है। अच्छा, चीनी चंपा। छोटे छोटे केले भी होते हैं, नौगछिया। अच्छा, सिंगापुरी। यह कितने दिन में पैदा हो जाते हैं जैसे आपने लगा दिया? साल का। अच्छा, एक साल समय लग जाता है, 11-12 महीने। देखिए, कहा गया है केला बिच्छू बांस, अपने जन्म से अपने नाश। जैसे यह है, अब अगर इसने फल दे दिया है तो इसको आप काटेंगे लेकिन बगल से एक पौधा निकल जाएगा। ऐसे ही बांस में भी होता है, बांस को काटना ही पड़ेगा, उसके बगल से एक पौधा निकलेगा। तत्पश्चात बिच्छू के बारे में भी कहा गया है, बिच्छू का बच्चा पेट फाड़ के निकलता है और माँ की मौत हो जाती है। इस तरह से 3 चीज़ें कही गई हैं। केला का फूल बड़ी चोरी होती है। देखिए, इसका फूल हमने दिखाया आपको, एक बार आप देख सकते हैं, यह केले का फूल है। पूजा में ले जाते हैं लोग, बहुत जगह लोग मांगने आते हैं, इसका रेट भी पता नहीं, इधर मांगने आते हैं कि नहीं लोग? 10 रुपये का एक पीस बिकता है। अच्छा, 10 रुपये का एक पीस, हमारे तरफ तो बहुत पैसा। और चोरी सब्जी खाते हैं बंगाली लोग। अच्छा, बंगाली लोग केले के फूल की सब्जी खाते हैं, वाह वाह। उसको काट काट करके फिर तेल मसाला डाल करके। अच्छा सर, इसमें इस प्रजाति का जो केला है तो एक केले में कितने फल लगते हैं, मतलब छिम्मी जिसको बोलते हैं? 150 पीस 150 पीस लगते हैं। केला की सब्जी भी खाई जाती है, केला का हलवा भी बनता है और खीर, कभी आपको खीर खाना हो तो केला भी उसमें, पके हुए केले को लोग मसल देते हैं तो चीनी के जगह केला। डायबिटीज के मरीज एक केला खा सकते हैं बताया गया है, उससे अधिक केला खाएंगे तो सबसे अधिक नुकसानदायक, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है। वैसे डायबिटीज के मरीज को एक फल खाना चाहिए, इसमें चीनी नहीं होती, खाया जा सकता है किंतु अति नहीं होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, इधर नालियां बनी हैं। अच्छा संजय जी, इसमें पानी अधिक चाहिए? पानी अधिक है जी, गर्मी में, बरसात अच्छा, में पानी कम। बरसात में पानी कम, बरसात में तो पानी मिल ही रहा है। गर्मियों में पानी अधिक चाहिए, 10 दिन पर पानी चाहिए, जैसे 5 दिन पहले पटा है फिर अब पटेगा ये। अच्छा, जो छोटी प्रजाति के जो तने होते हैं तो उनको आप लोग क्यों नहीं लगाते, उसमें क्या हुआ, कितने दिन मार्केट में? मार्केट नहीं है यहाँ। अच्छा, वही लगाते थे, मार्केट था कलकत्ता का। अच्छा, अभी कलकत्ता नहीं ले रहा है। तो क्या उसके फल भी छोटे छोटे होते हैं क्या? छिमी लंबे होते थे, हरी छाल। अच्छा, हरी छाल का केला, तना छोटा होगा और वह उसका बड़ा बड़ा होगा। 250 पीस होता था एक। 250 पीस होता है। इसमें खाद किस प्रकार का डालते हैं आप लोग? इसमें जैविक खाद है, गोबर है। अच्छा, अधिक गोबर का ही प्रयोग करते हैं, फास्फेट डालते हैं। फिर एक मजेदार मामला और है, यहाँ आप देख रहे हैं यह पत्तियाँ हैं और पत्तियों से भी लोग खाद बनाते हैं। इसे आप देख रहे हैं, यह पत्तियाँ सड़ जाएंगी तो इससे खाद बनेगा। 6-7 फीट की पत्तियाँ इसकी होंगी। इस पर खाना भी खूब खाते हैं लोग, पत्तियाँ काट करके और खूब अच्छे ढंग से इस पर खाना खाते हैं, अच्छा लगता है। मैंने भी खाया है, विशेष रूप से ऐसे कोई अवसर अगर कोई दिवंगत हो जाता है तो केले के पत्ते पर ही उनको भोजन दिया जाता है, ऐसा है। यहाँ फल अब टूट गए हैं, नए इसमें फूल निकलेंगे और फूल से फिर फल निकलेंगे, यही असर ना? तो कितने दिन में फल आएंगे इसमें? फल इसमें 9 महीने में आते हैं। 9 महीने में आएंगे, 2.5 महीने लग जाते हैं इनको मैच्योर। तो जितने तने हैं अभी कितने दिन के तने होंगे? ये है मोटा मोटी आपको 7 महीने के। 7 महीने के।
इनके तनों का और कोई काम तो आता नहीं होगा, केवल खाद, केवल खाद। बड़ा मजेदार है, इससे सीखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार रासायनिक खादों का प्रयोग करके हमने अपने जमीन की उर्वरा शक्ति को जहां नष्ट किया है, हमारे मित्र कीट समाप्त हुए हैं, जहरीले पदार्थ हम लगातार ग्रहण करने जा रहे हैं, तमाम भयंकर बीमारियों के जद में हम आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि जैविक खेती किया जाए। मैं बधाई देना चाहूँगा संजय जी को कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया है इन्होंने, और चाय से लेकर के केला और अनास तक की खेती में जैविक खाद का प्रयोग किया है। अच्छा सर, आपके यहाँ केचुआ है कि नहीं? अब हाँ, अभी ना मिट्टी से केचुआ भी निकलेंगे। यह बलुई दोमट मिट्टी मुझे लग रही है, बहुत उपजाऊ है, और आप इसको देख रहे हैं, यह जगह जगह मिट्टी चढ़ा दी गई है। अच्छा सर, एक चीज, आधी तूफान आता है तो यह गिर जाते होंगे, नुकसान होता है, तो नुकसान से बचने के लिए क्या उपाय हैं? कोई उपाय नहीं इसका। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, मैंने भाषण के एक अंश को सुना था श्री नरेंद्र मोदी जी का, बंबू लगाने की बात उन्होंने किया था। बात तो ठीक कहा उन्होंने, बंबू अगर चारों तरफ से बाढ़ लगा दी जाएगी खेतों पे, क्यों नहीं होता, लगाते हैं हम लोग, नहीं होता, नहीं होता है, गिरना तो गिरना है। अच्छा, मतलब लेकिन कुछ तो हवा को रोकेगा वह। उधर एक फल का गुच्छा गिरा हुआ है, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं क्या है। तो ऐसे टूट करके गिर जाता है क्या? अच्छा, हवा में टूट करके गिर जाता है। यह देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, अब यह तो किसी काम में आएगा नहीं, सब्जी बन सकती है ना? नहीं बनेगी, इसमें कुछ निकलेगा ही नहीं। अभी अभी तो पैदा होने के साथ ही गिर गया, ऐसे है। इसमें और क्या रोग कौन से लगते हैं? रोग में कोई रोग नहीं है, रोग उस तरह का कोई नहीं है, ठोकर फोकर चिट्टी के लिए। अच्छा अच्छा, मेडिसिन दिया जाता है बस। अच्छा, और पशुओं से जंगली जीव इसको नुकसान कैसे करते हैं? कोई नुकसान नहीं है। इधर जंगली जीव कौन से हैं? सांड एक मिलेंगे। अच्छा, सांड यहाँ भी है भैया, सांड उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और बंगाल तक, नंदी बिचारे सांड। तो अब तो यहाँ बैलों से खेती नहीं होती ना, ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर से यदा कदा बैल से खेती मिल जाती होगी, या फिर गाड़ियों में जुताई बैलों से होती होगी, ऐसा कुछ है क्या? ना, यह भी नहीं है। तो बैल तो फिर इधर पश्चिम बंगाल जाके कट जाते होंगे, इधर से बांग्लादेश। अच्छा, पश्चिम बंगाल में भी खाते हैं लोग उधर भी, मैंने देखा था दोस्तों, अरुणाचल मेरा जाना हुआ था, तो जैसे यहाँ बकरे के मीट की दुकानें हैं, लिखा रहता है मीट की दुकान, बकरे का मीट, वैसे ही वहाँ गाय बीफ की दुकानें हैं अरुणाचल में, और ऐसे गायों को लटका दिया जाता है मार करके, ऐसे है वहाँ प्रचलन है। और गृह राज्य मंत्री का आपने बयान भी सुना, उन्होंने कहा हम गाय का मांस खाते हैं, अलग अलग है, अब कोई माता मानता है, कोई जानवर मानता है, कोई अपना अपना है, कुल मिला करके इधर नहीं खाते लोग, बछड़े इधर सीधे चले जाते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश में कटते हैं, इधर असम में भी लोग खाते हैं, असम में तो सर्प से लेकर के तमाम चीज़ें खा जाते हैं लोग। तो अलग अलग है, मांस खाना मौलिक अधिकार है, लेकिन गाय, चलिए इस विषय पर हम अलग से चर्चा करेंगे। ये आपने देखा गिर गया है, और यह खूबसूरत केले की बगान, गर्मियों में तो बड़ी छाया इसमें रहती होगी, बहुत ठंडी रहती है। एक चीज़ अब समझ में, सांप आते हैं क्या इसमें? आते हैं, चले जाते हैं अपने। अच्छा, सांप चले जाते हैं, विषैले सांप भी आते हैं, इस समय तो आएंगे नहीं, अभी नहीं, गर्मियों में सांप आते हैं, विषैले सांप, उन्हें ठंड महसूस होता है, गर्मी से व्याकुल होकर के आते हैं और ठंड में यहाँ लिपट जाते हैं, क्यों नीचे इसके नीचे आते होंगे ऐसे, तो सांप कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, काटते नहीं हैं, कोई नुकसान नहीं है, आदमी आएंगे देख के हट जाते हैं। अच्छा, हट जाते हैं, उनको भी डर लगता है, आते हैं। यह देखिए, एक बार केले के पत्तों को देख लिया जाए, बड़ा शानदार है, और मन यही कर रहा है कि केले के पत्ते पर बाटी चोखा खाने का आनंद मिले, तो बड़ा सुखद होगा, लोग खिलाते भी हैं। तो चलो, चलिए दोस्तों, आज हमने केले के बागान में पहुंच करके आप सभी का मनोरंजन भी किया, केले के बारे में बताया भी, और इसकी खेती कैसे होती है, किस प्रकार, आप लोग कहाँ भेजते हैं यहाँ से केला? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी जाता है, वहाँ से फिर जहाँ भेजें लोग। तो आज संजय जी के साथ हम हैं, 27 दिसंबर 2018 को
बताते हुए। दोस्तों कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं चाहूँगा आप सब्सक्राइब कर लें, और आपके कमेंट आते हैं तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। प्रयास करता हूँ कि सभी का जवाब भी दें, से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखा किसी को किसी ने नहीं है, लेकिन आत्मीय रिश्ता जो होता है वह बड़ा प्रगाढ़ होता है, और वह रिश्ता आज उसी रिश्ते का यहाँ भी प्रचलन है, उसी रिश्ते में हम लोग मिल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर आगे बताते हैं, मिलते हैं आपसे और कुछ दिखाते हैं नया।